दो दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ शनिवार को योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र तारामंडल में किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, महंत मिथिलेश नंदी शरण महाराज, पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, चितरंजन मिश्र, हिंदी साहित्य संस्थान के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी, भोजपुरी साहित्य के विद्वान रविंद्र श्रीवास्तव उर्फ जुगानी भाई, उप निदेशक संस्कृति विभाग डॉ. मनोज कुमार गौतम, पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों 29 अगस्त को अयोध्या से हुई रामायण कॉन्क्लेव शुरुआत अब प्रदेश के सभी जिलों में धीरे धीरे आयोजित होकर लोकमानस में राम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दो दिवसीय इस कॉन्क्लेव में मौजूद वक्ताओं ने राम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए राम से जुड़े अनछुए पहलुओं को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया। इस दौरान वर्चुअल रूप से जुड़े सदर सांसद रवि किशन शुक्ला रामायण कॉन्क्लेव के आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला। आपको बता दें कि रामायण कॉन्क्लेव अयोध्या शोध संस्थान की पहल है, जिसे उत्तर प्रदेश का संस्कृति एवं पर्यटन विभाग आगे बढ़ा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप निदेशक संस्कृति विभाग डॉ. मनोज कुमार गौतम ने कहा, क्योंकि मैं वहां पर प्रत्यक्ष रूप से अवेलेबल नहीं, कहीं कमिटमेंट ऑलरेडी थी हमारी। मुझे महाराज जी को धन्यवाद दूंगा, प्रदेश सरकार को, संस्कृति विभाग को, अयोध्या से ये कॉन्क्लेव को बढ़ाने का माध्यम है, कला क्षेत्र को बढ़ाने का माध्यम है। इससे 1000 कलाकारों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, अपनी क्षमताओं को दिखाएंगे। ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि यही मेरा भी सपना रहा। हमको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला जीवन में, तो आज इस मंचन में ये दो दिन के कॉन्क्लेव में रामायण कॉन्क्लेव जो हो रहा है, यहाँ गोरखपुर के और अगल बगल के जिलों के सारे कलाकार आप लोगों को देखने मिलेंगे। तो समस्त जितने भी दर्शकगण आए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और मैं सबको कहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ सबकी हौसला अफजाई करें आप लोग, क्योंकि रामायण कॉन्क्लेव प्रभु राम के बारे में और प्रभु राम सनातन धर्म के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में, और कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो अलग अलग उसको कला के माध्यम से आपके साथ सामने समक्ष मंच पर रखा जाएगा। ये बहुत ही सुंदर मौका है और ये स्टेज अभी इसको इतना सुंदर लग रहा है, इतना भव्य लग रहा है, और इसका नाम रामायण कॉन्क्लेव, और हम लोग इतने भाग्यशाली हैं। धन्यवाद पूज्य महाराज जी का कि अयोध्या के बाद ये सीधे गोरखपुर में हो रहा है, और ये बहुत ही सुंदर हमारे लिए आज का दिन है। आप सभी लोगों को मैं सांत्वना देता हूँ। हम लोगों का सौभाग्य है कि गोरखपुर जिस हिसाब से, जिस तरक्की से बढ़ रहा है, और उसमें ये प्रेक्षागृह आज एक ऐतिहासिक रूप धारण कर रहा है बड़े बड़े कार्यक्रमों को लेकर, तो ये महाराज जी को धन्यवाद कि महाराज जी को दिल से धन्यवाद। ये सारी खुशबू जो उन्होंने बिखेरी है समस्त उत्तर प्रदेश में और आज गोरखपुर में भी, तो मैं जितने भी मंचासीन है सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ, दर्शक दिघा को प्रणाम करता हूँ, और मैं जय श्री राम के नारे के साथ मैं कहता हूँ कि आप लोग सुंदर शुरुआत करें। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। हर हर महादेव, जय श्री राम। वो सारे कलाकारों के लिए कृपया आप लोग जरूर ताली बजाइएगा जो आज इस मंचन में दो दिन के लिए आप लोगों के समक्ष आएंगे, और प्रभु राम और अपनी अपनी कलाओं को अपने अपने रूप में, अपने अपने स्वरूप में आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो मैं सभी अधिकारीगण को और कला संस्कृति विभाग को दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, और मैं नहीं हूँ उसके लिए, मुझे कृपया क्षमा कर दें आप लोग, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। किसी न किसी मंच पर मैं रामायण कॉन्क्लेव के जरूर आऊंगा, भले कोई भी जिला हो। हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय। आप लोग श्री गणेश कर सकते हैं, जय हो आप सब। अभिनेता और हमारे सांसद निरीक्षक और आज के इस आयोजन की महत्वपूर्ण कड़ी। राम जानने का विषय नहीं है, जीने का विषय है। राम सुनने का विषय नहीं है, सोचने का विषय है। राम बताने का विषय नहीं है, ग्रहण करने का विषय है।
यह आयोजन इसलिए नहीं है कि कलाकारों को मंच मिल जाएगा, कलाकारों को बहुत से मंच मिलते हैं। हमारी सरकार की इतने बड़े आयोजन की उपाध्यता को इतना छोटा करने की जरूरत नहीं है। हम समाज परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज परिवर्तन की लड़ाई हमेशा जब भी शुरू होगी तो व्यक्ति निर्माण से शुरू होगी। अगर हम व्यक्ति को नहीं बदल पाए, अगर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व में राम का अंश नहीं ला पाए, हम उसे अगर किसी व्यक्ति को राम के चरित्र को बता करके उसे यह एहसास नहीं करा पाए कि जब तक कोई व्यक्ति सत्ता त्यागेगा नहीं वो राम बनेगा नहीं, राम बनना है तो सत्ता को नकारना सीखना होगा, राम बनना है तो घर को त्यागना सीखना होगा, राम बनना है तो अपने दुश्मन को भी प्यार करना सीखना होगा। मुझसे कोई सचमुच पूछे कि राम सबसे अधिक किसको मानते रहे होंगे अपने जमाने में, तो मैं कहूंगा कैकेयी को। कैकेयी न रही होती तो राम का रामत्व सिद्ध हुआ होता क्या? गालियां हम कैकेयी को चाहे जितनी भी दे लें, स्त्री सशक्तिकरण की पहली परिभाषा कैकेयी थी। युद्ध की कला जानती थी, युद्ध के मैदान में दशरथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, रथ अगर टूट रहा हो तो रथ के बीच में अपनी उंगली मांग सकती थी, और अगर दशरथ महाराज ने उसे दो वरदान देने की छूट दिया तो उस वरदान का इस्तेमाल करने की राजनीतिक कला भी बता सकती थी। उसे मालूम था कि वरदान मांगने का एक समय आएगा जब मैं इसे मांगूंगी। हम आदर्श माँ की चर्चा करते हैं, आदर्शतम माँ इस धरती पर अगर कोई होगी तो कैकेयी होगी, और हम आदर्श पुत्र की चर्चा करेंगे तो आदर्शतम पुत्र कोई होगा तो भगवान श्री राम होंगे। राम जानते थे उन्हें वनवास मिल रहा है, लेकिन यह वनवास उन्हें किसी ने दिया नहीं था, उन्होंने स्वयं ओढ़ा था अपने ऊपर। इस धरती पर उनका आगमन ही इसी काम के लिए हुआ था कि वो अपने इस वनवास के माध्यम से संपूर्ण मानवता को जीने की कला सिखाएंगे। चेतन के धरातल पर अचेतन के संगीत का नाम राम। राम दो तरह से अपने ढंग से जाने जा सकते हैं, एक तो दशरथ के पुत्र राम और दूसरे वह राम जिनका उद्धरण, जिनका विवरण हमारे ऋग्वेद में तमाम रचनाकारों ने अपने अपने ढंग से जिसको जिया है, जिसको जब हम ओम रांग राम आय नमः जागृत होता है अपने आप वहां से राम 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 शब्द जब आता है वह स्वयं एक राम वह है जो एक अचेतन धरातल पर कार्यरत राम है, वह राम जिसको हम लोग अमूर्त नहीं मान पाते हैं, जो जिसको हम अमूर्त राम कह सकते हैं। का विषय है लोकमानस के राम। राम की सत्ता हर जगह है। मैं भी संचालक महोदय के द्वारा जो बड़े अच्छे, तो भगवान शिव उस दो अक्षरों के समूह को अपने हृदय में रख करके अनवरत जपा करते हैं, वो राम। ये रामायण कॉन्क्लेव की जो शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2021 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के करकमलों द्वारा इसकी शुरुआत अयोध्या में हुई थी। उसी क्रम में जनपद गोरखपुर में 4 और 5 को रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि प्रदेश के अनेक शहरों में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उस क्रम में ये दूसरा पड़ाव है।
रामायण का जो उद्देश्य है, विषय भी जो रखा गया है, लोकमानस में राम, मतलब कि राम जन जन में है, उनके चरित्र, उनके जो आचरण हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनको आम जन को समझाने, बताने और दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रदर्शनी भी लगाई गई है, अभी उनके ऊपर परिचर्चा चल रही है, संवाद चल रहा है। इसी क्रम में रामायण पे आधारित जो हमारे लोक नृत्य हैं, लोक गायन हैं, लोक विधाएं जितनी भी हैं, उसके माध्यम से भी दिखाने बताने का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और राम के आदर्शों को अनुसरण करने, उनका अनुकरण करने के उद्देश्य से इस रामायण कन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कितने दिन रुकाएगा? ये 4 और 5 सितंबर 2021 तक ये आयोजन गोरखपुर में है, इसके बाद बलिया में ही ये आयोजन होगा। उसी तरह से क्रम में बनारस में होगा, चित्रकूट में होगा, श्रृंगवेरपुर में होगा, मथुरा होगा, सहारनपुर होगा, बिजनौर होगा, लखनऊ होगा। तो ये एक पूरी श्रृंखला रामायण कॉन्क्लेव की चल रही है।